अस्सलामुअलैकुम और गुड मॉर्निंग एवरीवन फ्रॉम कप्पादोकिया तुर्की। आज का मेरा प्लान ये है कि मैं कप्पादोकिया की जितनी फेमस साइट्स और वैलीज़ हैं वो एक्सप्लोर करूँगा और उसके बाद शाम को करेंगे हम लोग नाइट कैंपिंग, अगर मुझे वो स्पॉट मिल गई जो मैंने इंटरनेट से ढूंढी है होपफुली, क्योंकि यहाँ पे अक्सर होता है कि इंटरनेट से आप देख के जाते हो और वहाँ पे वो जगह मिलना मुश्किल हो जाता है या नामुमकिन होता है। तो अगर तो वो मुझे जगह मिल गई तो हम लोग वाइल्ड कैंपिंग करेंगे, अगर ना मिली तो फिर देखेंगे कि इधर या तो होटल ले लें या फिर किसी और जगह कैंपिंग कर लें। आज मैं सुबह गया था सनराइज़ देखने के लिए, एक साथ में गांव है ऊंचीसर, इस रीजन में या कप्पादोकिया में आजकल जो बलून्स हैं ना उनकी फ़्लाइट्स नहीं हो रही, सिर्फ एक या दो बलून्स उड़ते हैं, वो भी उनके लिए जो स्टूडेंट्स जो सीख रहे हैं ना बलून फ़्लाइट्स चलाना तो उनके लिए हैं, तो इसलिए थोड़ा सा सनराइज़ जो उसके बगैर थोड़ा सा डिफरेंट सा लग रहा था, लेकिन काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। आप लोग देखें कप्पादोकिया ऊंचीसर से सनराइज़ और मैं यहाँ बैठ के अपना नाश्ता करता हूँ और कप्पादोकिया का व्यू इन्जॉय करता हूँ और उसके बाद मुझे रूम में अपना जो सामान वगैरह आपको समेटना है। सुबह के 5:10 हुए हैं और मैं अभी अपने होटल से निकल रहा हूं और प्लान ये है कि यहां पे जो साथ वाला विलेज है ऊंचीसर वहां पे जाना है और वहां पे कुछ तस्वीरें लेनी है, ड्रोन वगैरह उड़ाएंगे और सनराइज़ एंजॉय करेंगे। बेसिकली यहां से काफ़ी ज़्यादा और भी डिफरेंट स्पॉट्स हैं जहाँ पर बंदा जा सकता है, नॉर्मली मोस्टली लोग आते हैं इधर ग्रोम में ही आते हैं और यहाँ से ही सनराइज़ इन्जॉय करते हैं, लेकिन क्योंकि अनफॉर्चुनेटली आजकल बलून्स नहीं चल रहे हैं तो मैंने सोचा कि यहाँ पे तो मैं ऑलरेडी एक दो दिन गुजार चुका हूँ तो थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ जो है वो ट्राई करते हैं। लेट्स सी कि अगर वहाँ से थोड़ा बेहतर आया तो ठीक है, ना आया तो ना सही, यहाँ से तो मैं ऑलरेडी देख चुका हूँ ना। तो वो यहाँ से अभी मुझे तकरीबन 6-6.5 किलोमीटर जो है वो है, 10 मिनट की राइड है, इतना ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन राइड मज़े की होगी और आई थिंक कैमरा की में जो क्वालिटी आ रही होगी वो भी बेहतर आ रही होगी क्योंकि सुबह के टाइम जो है वो लाइट काफ़ी अच्छी है। आप देख सकते हैं कि ये सारे जो हैं ये बलून्स वाले हैं और सब बंद है, ये बड़ा भंड हो गया यार। पीछे से सन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता निकल रहा है और सामने जो आप देख रहे हैं ये हाइट पे कैसल, ये ऊंचीसर का कैसल है। प्लान ये है कि इसके साथ एक वैली है पिजन वैली, उसकी तरफ मैंने जाना है तो उधर ही चलते हैं, वहाँ से जो है वो ड्रोन उड़ाते हैं, ऊंचीसर के कैसल की अच्छी सी शॉट्स लेते हैं। घर चेक करें यहाँ के, सारे उसमें केव्स में बने हुए हैं और ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में आता है ऊंचीसर और ग्रोम दोनों। अभी हम लोग एक छोटी सी राइड लेते हैं ऊंचीसर के दरमियान में से, सिटी तो नहीं है, गांव से गुजरते हैं और आपको उसका थोड़ा सा दिखाता हूं। ये आई थिंक गांव का मेन स्क्वायर आ गया है और बिल्कुल इसके पीछे कैसल है। अभी एक नज़र मारते हैं हम लोग कैसल पे इधर और उसके बाद फिर हम राइड कंटिन्यू करेंगे नीचे ग्रोम की तरफ, एक थोड़ा सा क्लोजअप व्यू देख लेते हैं इसका। पहले आपने ड्रोन शॉट्स देखी और सामने से सूरज पड़ रहा है आंखों में, ये है जी ग्रोम का कैसल कह रहा हूँ, सॉरी ऊंचीसर का कैसल। यहाँ पे अभी कोई भी नहीं है और सिर्फ हम अकेले हैं, आई थिंक ये अभी इधर जा भी नहीं सकते, ये सामने एंट्रेंस है, वैसे तो फलांग के जा सकते हैं उसके बगैर नहीं, ऐसे काम ज़रूरी करने हैं यार। जब हमारे पास ड्रोन है जो ऊपर जा सकता है तो हमने अब क्या इतनी ख्वारी करके जाना है ऊपर।
ये है जी मेरा रूम। इस होटल में मैं पिछली दो रातों से स्टे कर रहा, और पहली रात मैंने जिस रूम में स्टे की थी वहाँ पे एसी नहीं था, और वो केव रूम भी नहीं था, वो थोड़ा सा चीप था। उसके मैंने सिर्फ 100 लीरा आई थिंक पे किए थे, जो कि 12-13 यूरो बनते हैं। तो जब मैं नेक्स्ट नाइट बुक करने लगा तो मैंने उससे पूछा कि अगर कोई केव रूम खाली है तो मैं उधर शिफ्ट हो जाता हूँ। तो उन्होंने मुझे थोड़ी सी डिस्काउंट भी दे दी, तो सिर्फ 120 लीरा मुझे इसके पे करने पड़े। और सबसे मज़े की बात यह है कि इस रूम में रात को एसी की ज़रूरत नहीं होती, बंदा बड़े आराम सुकून से सो सकता है, ठंडा रूम होता है। तो एक तो अपग्रेड हो गया, और फिर मेरा ख्वाब जो केव रूम में सोने का था वो भी पूरा हो गया सस्ते में। अभी बात यह कि मैंने निकलना है यहाँ पे कुछ अंडरग्राउंड सिटीज़ हैं एक्सप्लोर करने के लिए, तो मैं सोच रहा था कि सबसे पहले उधर जाते हैं। वो यहाँ से तकरीबन 40 किलोमीटर की राइड है, 40-50 मिनट लग जाएंगे वहाँ जाते जाते, और फिर वापस इधर ही आना है। मैं सोच रहा था अपना सारा सामान मैं यहाँ पर रखूँ, और फिर सेकेंड टाइम जब मैं फारिग होकर उधर से आऊँ तो उसके बाद जो है हम जाएँगे उस जगह जहाँ पर मैंने वाइल्ड कैंपिंग करनी है। थैंक यू, दैट्स फाइन। इस बंदे ने मेरा काफ़ी टाइम बचा दिया, क्योंकि यहाँ से 40 किलोमीटर दूर है अंडरग्राउंड दो सिटीज़, और वो दोनों बंद है कोरोना वायरस की वजह से। और मैंने अगर इससे ना पूछा होता तो मैंने उधर जाना था घंटा लगा के और फिर वापस घंटा लगा के आना था, क्योंकि वो दोनों ही बंद हैं। तो इसने मेरा काफ़ी टाइम बचा दिया। अभी हमारा नेक्स्ट स्टॉप होगा जी ग्रोम ओपन एयर म्यूज़ियम का। आई थिंक यहाँ से निकलते हैं, मेन रोड पर लग जाएंगे। यहाँ पे टूरिस्ट बिल्कुल कम है, तो इस वजह से उन्होंने काफ़ी एक्टिविटीज़ बंद की हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, मेरा होटल जो था वो बिल्कुल ये इसके पीछे, जहाँ पे मेरी उंगली जा रही होगी शायद नज़र आ रहा होगा। तो ये बहुत खूबसूरत लोकेशन से पूरा जो गांव था वो वहाँ से नज़र आता है, ये पूरी वैली वहाँ से। आई थिंक आ गया ओपन एयर म्यूज़ियम, यहाँ से भी जा सकते हैं। ये ऊपर पार्क कर देते हैं बाइक को। फाइनली मैं ग्रोम एयर म्यूज़ियम्स पहुँच चुका हूँ। यहाँ की जो साइट है ये 1985 से इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया है, और एक्चुअली ये तुर्की की दूसरी साइट थी जिसे इस लिस्ट में शामिल किया गया था। यहाँ की जो चर्चेस हैं वो काफ़ी फेमस हैं, और इसी वजह से इसे शामिल किया गया था। उसके अलावा जब आप इंटर होते हैं तो आपको एक फ़ील आती है, जैसे पेत्रा है जॉर्डन में, मैं वहाँ पर गया था तो उस जैसी लगती है, लेकिन ये उससे काफ़ी छोटी है और वो काफ़ी पुरानी है। ये रिलेटिवली इतनी पुरानी नहीं है, केव्स तो शायद पुरानी हो लेकिन यहाँ के जो चर्चेज़ हैं वो इतने पुराने नहीं हैं सिविलाइजेशन के लिहाज से। तो अभी हम जाके देखते हैं यहाँ के चर्चेज़ और केव्स वगैरह एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ पे जितने चर्चेज हैं उनके साथ छोटे छोटे केव्स हैं, और उन केव्स में हैं कब्रें। ये कब्रें उन लोगों के जिन्होंने चर्च बनाए थे या इन्होंने हेल्प वगैरह की थी बनाने के लिए। तो अभी मेरे जो साथ एक छोटा सा चर्च है उसके साथ सिर्फ दो कब्रें हैं, तो मतलब दो लोगों ने सिर्फ हेल्प की थी इस चर्च को बनाने की। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चर्चेज हैं, अब गिनती तो मुझे नहीं पता कितने हैं, लेकिन कोई 15-20 तो मैं ऑलरेडी देख चुका हूँ बाहर से लॉक हुए हुए। ग्रोम एयर म्यूज़ियम्स की जो मेन पॉपुलरिटी है वो है यहाँ के चर्चेस, जो कि 11वीं और 12वीं सेंचुरी के हैं, और उनके जो वॉल्स के ऊपर पेंटिंग्स और पिक्चर्स वगैरह हैं वो बेसिकली शो करते थे यहाँ के लोग कि किस तरह वो उस दौर में ट्रैवल करते थे, जेरूसलम, बेथलहम, क्योंकि जो बेथलहम में था वहाँ पे चर्च ऑफ नेटिविटी है, और जेरूसलम वाले चर्च ऑफ
मुझे उसका नाम भूल गया, लेकिन वो मेरे जेरूसलम वाले ब्लॉग में है। मैं नीचे सब टाइटल्स में उसका नाम डाल दूंगा। अभी मैं जिस चर्च के बाहर खड़ा हूँ, इसे कहते हैं डार्क चर्च। सारे चर्चेज हैं वो कोरोना की वजह से इन्होंने बंद कर दिए हैं। डार्क चर्च के लिए एंटर होने के लिए आपको एक्स्ट्रा टिकट पे करनी पड़ती है, जो कि 25 लीरा है, और ऑलरेडी मैंने यहाँ पे आने के लिए 75 लीरा पे किए हैं। लेकिन जो सारी मेन अट्रैक्शन है वो क्लोज है, तो मेरी समझ से बाहर है कि जब आपने टिकट रखी या लोगों को बुला रहे हैं तो फिर चर्चेज बंद आपने क्यों किए? अगर बंद किए हैं तो टिकट भी कम कर दो या उसको ख़त्म कर दें। की तरफ मैं इसलिए नज़र मार रहा हूँ कि मुझे शाम के टाइम यहाँ पे आसपास में कहीं कैंपिंग करनी मेरे ख्याल में, लेकिन उसकी सड़क जो है ना वो आगे है, और इस वैली का जो व्यू है वो सनसेट पॉइंट से बहुत अच्छा आता है। ये उसकी बैक साइड पे, फ्रंट पे आ जाएगा ग्रोम, और बैक साइड पे आप देखें तो आपको ओपन एयर म्यूज़ियम से नज़र आएगा। एक तो जब पीछे से धूप पड़ती है ना, मैप बिल्कुल भी नज़र नहीं आता। अरे भाई जा तो हम लोग सही रहे हैं। अच्छा, ये सिर्फ यहाँ तक का एक व्यू पॉइंट है, और एक्चुअली ये काफ़ी अच्छी जगह है कैंपिंग के लिए। मैं यहाँ पे भी कैंपिंग कर सकता हूँ, बजाय ये कि मैंने उस तरफ ही जाना है। यहाँ पे यार काफ़ी ज़्यादा लोगों ने गंद शन डाला हुआ है, लेकिन मेरे ख्याल में ये काफ़ी अच्छी जगह है, और बंदा बड़े मज़े से यहाँ पे कैंपिंग कर सकता है। जो व्यू होगा ना शाम के टाइम और सुबह के टाइम, सुबह यहाँ से सनराइज़ होता है और इस तरफ सनसेट है, बड़ी कमाल की जगह है। लेकिन ये क्या, क्योंकि मेरे पास अभी टाइम है तो दूसरी जगह भी देख लेते हैं, एक तो है ही ना। चलते हैं बाइक को अपने, बाइक के लिए भी अच्छी खासी जगह बनता है, यहाँ पर उसे खड़ा कर सकता है। ये मुझे बस मसला कर रहे हैं, गंद जो लोगों ने डाला है। तो अब देखते हैं कि दूसरी साइड हमें मिलती है कि नहीं, उसकी रोड थोड़ी सी आगे जाके आएगी। हाँ, एक और गाड़ी वाले भी आए हैं। ओए होए होए होए, ये गलत आ गए हैं भाई। Sorry? Okay. I'm not sure if there is road going down. आई थिंक हम लोग जो है ना, वो पिछली वाली जगह जो है ना वही बेस्ट रहेगी। ये आगे तो मुझे जलील करेगा, क्योंकि ये बहुत नीचे जा रही है, और जितना मेरे पास सामान है अगर तो वो मैं अपने साथ लेके आता हूँ तो फिर बड़ा मसला होगा। मुझे अभी डर है कि मैं यहाँ से निकलूँगा कैसे, क्योंकि जितनी उसके ऊपर डर्ट है ना, ये मुझे बड़ा मसला होगा अभी जाने का। अल्लाह खैर करे, एक तो मैंने अपने दूसरे शूज़ भी नहीं पहने, और यहाँ पे बाइक जो है ना वो बार बार मिट्टी रेत बहुत है। दूसरे गियर में जा रहा था, पहले में लेके चला जाता।
अब यहाँ से जो है ना ऊपर लेके जाना बड़ा मसला होगा। सबसे पहले तो मैं इसको उतारूं। बेसिकली मुझे से नीचे से अपना बाकी सामान लेके आना और फिर निकलते हैं यहाँ से। रफू चक्कर होते हैं, शाम को नहीं आना भाई, इधर बहुत हो गया। उधर मरने के लिए आना है, किसी खोते ने हमें इंटरनेट में डाल दी थी वो जगह, या फिर उसका रास्ता गलत था। वो रास्ता ऊपर से होगा, नीचे वैली में तो जाना ही नहीं था। शुक्र है भाई, प्यास से मेरा बुरा हाल है, लेकिन अब थोड़ा सा सेक्शन रहता है, आई थिंक बड़े आराम से ही हो जाएगा इंशाल्लाह, कोई मसला इधर नहीं होगा। और सामने एक पानी वाला वो लगा हुआ है, टूटी किसी ने लगाई है, यहाँ से मैं पहले पानी पी के आया था। ये कैंपिंग साइट है और अभी भी यहाँ पे रोक के पानी पीते हैं क्योंकि बहुत बुरा हाल है। यहाँ पे लगी थी टूटी, ये इधर से मैं पानी पी के गया था। पता नहीं पीने का पानी है कि नहीं, लेकिन भैया जो भी है सब्र शुक्र करके ये पी लें और आगे जाके और पीते हैं। हेलो भैया, अब लग मेन रोड पे और आगे देख आगे क्या करना है। लो भाई, जलील होके हम लोग आगे वापस। मुझे एक्चुअली वो नहीं जाना चाहिए था, जब मैं दरमियान में पहुंचा हूँ ना तो मुझे आइडिया हो गया था कि तेरी अब लग गई है, लेकिन वहाँ से ना तो मैं वापस जा सकता था। सिर्फ एक ही रास्ता था कि नीचे तब तक जाते जाओ जब तक कोई ऐसी जगह ना मिले जहाँ से मैं टर्न कर सकूँ, क्योंकि वो ढलान पर था और वहाँ से तो टर्न पॉसिबल ही नहीं था। और अभी मेरा जो हाथ है ना बड़ी मुश्किल से हिल रहा है यहाँ पर। आई होप कि इसके ऊपर कोई स्वेलिंग वगैरह ना हो, लेकिन अगर हुई तो बड़ा मसला हो जाएगा अगले कुछ दिन, जितने दिन मैं तुर्की में हूँ राइड कर रहा। लेट्स सी। तो मैं जिस साइड से पहले गया था वो गलत रास्ता था, और अभी मैंने maps.me में डाला रास्ता तो उसने मुझे बना के दिया एक रूट। देखते हैं कि ये कैसा बना के देता है रूट, होपफुली कि पहले से अच्छा होगा। और इस पर लिखा हुआ था कि सामने एक बैरियर आएगा, वो आपने क्रॉस करना है, वहाँ पे आपसे पैसे लेते हैं। देखते हैं कि ये वाकई ये बंदा तो बैठा हुआ है एक। सो यहाँ पे उसने मुझसे लिए थे 5 लीरा। और ये वाली जो रोड है ये आगे सनसेट पॉइंट की तरफ जाता है जो रेड वैली के ऊपर है। और यहाँ पे एक थोड़ा सा ये ऑफ रोड सेक्शन है, अभी जाके देखते हैं कि ये किस तरह का है। अगर तो ये ख़राब हुआ तो हम भाई वापस आ जाएंगे। अब मैंने कोई नहीं इसमें पंगा लेना, नीचे नहीं जाना बस जो है, क्योंकि ये सारी मिट्टी रेत धूल है और ये इस तरह का तो ठीक है, कोई मसला नहीं है इस तरह के ट्रैक पे। मैं पहले सोच रहा था कि सेम उसी स्पॉट पे चला जाऊं, फिर मैंने कहा कि यार देख लेते हैं, टाइम मेरे पास है और क्या पता ये उससे बेहतर स्पॉट हो, क्योंकि लोगों ने इतनी इसकी तारीफें लिखी हैं। यार ये बहुत आला जगह है, चेक करें वो सामने पता नहीं GoPro में नज़र आ रही हैं कि नहीं, रेड वैली की जो कॉन्स हैं। सो मेरे ख्याल में हमारा जो कैंपिंग का स्पॉट है ना वो हमें मिल गया है, और मैं थोड़ा सा अपने आप पे फ़ख्र महसूस कर रहा हूँ कि मैंने गिव अप नहीं किया।
अगर मैं चाहता तो उस टाइम जो है वापस चला जाता कि भाई इतनी ज़रूरत होगी है, लेकिन ये कि ये बहुत अच्छा कैंपिंग स्पॉट है, जो पहले वाला था उससे भी बेहतर। और आप देख सकते हैं कि मैं किस वजह से कह रहा हूँ, यहाँ पे सनसेट सनराइज दोनों बड़े कमाल के होंगे, और ये ज़्यादा सिविलाइजेशन से दूर भी नहीं है ये चीज़। यहाँ पे सनसेट लिटरली बहुत अच्छा होगा। लेट्स सी, अभी हम चलते हैं वापस और फिर इंशाल्लाह शाम को जो है ना वापस यहाँ पे आएंगे जहाँ पे कैंप करेंगे। बहुत ही यूनिक है, लेफ्ट साइड पे डिफरेंट है, राइट साइड पे डिफरेंट है, और अभी मेरे ख्याल में हमने राइट साइड पे जाना है। लेफ्ट साइड वाला ही बहुत खूबसूरत है यार, यहाँ पे तो नो पार्किंग का साइन लगा हुआ है, लेकिन नो पार्किंग के बिल्कुल पीछे दो मोटरसाइकिल वाले खड़े हुए हैं। ये है जी पाशा बाग वैली की चिमनीज। बड़े आराम से यहाँ पहुँच गए, यहाँ पे कोई ऑफ रोड सेक्शन नहीं था, और यहाँ पे अच्छा खासा म्यूजियम शॉप्स वगैरह बनी हुई हैं। 20 लीरा एंट्रेंस है, पहले की तरह वो जो 75 उन्होंने लिए थे वो तो लुट मार थी, ये काबिले कबूल है। और अभी जैसे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ऊपर से बादल जो है ना वो खूब गरज रहे हैं, और अभी पहले दो तीन जो पानी के कतरे हैं ना वो गिरे हैं नीचे। होपफुली कि मौसम ज़्यादा ख़राब नहीं होगा, नहीं तो अपनी कैंपिंग वाला प्लान जो है ना वो चौपट करना पड़ेगा, क्योंकि मेरा कोई इरादा नहीं है कि बारिश में जो है ना यहाँ पे इतनी हवा में कैंपिंग करने का। लेकिन अभी थोड़ा टाइम यहाँ पे गुजारते हैं, थोड़ी बहुत पिक्चर्स वगैरह लेने की कोशिश करते हैं, अगर अच्छे को पॉइंट मिल जाए तो, अदरवाइज़ पे निकलते हैं यहाँ से। बड़ी दबा के बारिश हो रही है, और मुझे नहीं पता कि आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है कि नहीं, क्योंकि छत पे जो बारिश के पानी गिर रहा है ना वो बड़ा लाउड है। लेकिन ये है कि मेरा जो शॉटगन माइक है वो हो सकता है कि मेरी आवाज़ ही कैच कर रहा हो। अभी इतनी बारिश हो रही है कि मुझे नहीं पता कि हम लोग वाइल्ड कैंपिंग करने जाएंगे कि नहीं जाएंगे। मेरा प्लान ये है कि यहाँ पे इंतज़ार करूँ, क्योंकि इतनी हवा और बारिश में चलाना जो वो ख़तरनाक है। तो जैसे ही ये थोड़ा सा माहौल जो है वो सीधा होता है, उसके बाद शहर जा कर चेक करेंगे। अगर तो सनसेट से पहले मैं उधर पहुँच गया, मेरे पास टाइम हुआ, मौसम ठीक हुआ, तो हम लोग वाइल्ड कैंपिंग करेंगे। अगर ना हुआ तो फिर हम लोग उसी होटल में अपना कोई रूम देखेंगे कि हो सकता है उनके पास ना हुआ तो किसी और जगह देख लेंगे। लेकिन अभी मैंने अपने लिए खाने के लिए कुछ मंगवाया, मुझे नहीं पता किसे क्या कहते हैं, ये रोटी के अंदर मीट है आई थिंक, ये खाते हैं और उसके बाद देखते हैं कि क्या करना है। खड़ी कर देते हैं बाइक, यहाँ से आगे निकल जाएंगे। हाउ मच इट कॉस्ट? 100। चल के रूम देख लेते हैं। पहले मैं रह रहा था केव वाले रूम में, वो बड़ा मज़े का था, उसके 120 दिए थे। यस आई थिंक इट्स परफेक्ट, बिकॉज़ फॉर वन नाइट इट्स मोर देन इनफ। थैंक यू।